नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 6 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम 7 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, इन सब को हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हो, बेहतर क्वालिटी के कंटेंट प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जिन टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, या फिर यूं कह सकते हो कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहां लॉन्च की गई है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद आज हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में है। सबसे पहला पॉइंट पे आप ये याद रखिएगा कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। सबसे पहले पॉइंट पे मैंने आपको इसलिए बताया कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पिछली बार जब इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था यानी कि 2019 में, तब ये पहली बार जारी किया गया था और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है या किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष जो इंडेक्स जारी किया गया दूसरा संस्करण है, यानी कि पहला संस्करण जैसे मैंने बताया कि 2019 में जारी किया गया था, 20 जनवरी को जारी किया गया है। अगर हो सके तो डेट भी याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट पे आपको यह याद रखना है कि इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा किस ऑब्जेक्टिव के साथ यानी कि किस उद्देश्य के साथ जारी किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य, देश में ज्यादा से ज्यादा नवाचार को बढ़ाया जा सके ताकि देश को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ में इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। राज्यों का इनोवेशन इंडेक्स जारी होता है यानी कि राज्य के आधार पे, ताकि राज्यों में भी प्रतिस्पर्धात्मक जो रवैया होता है वो उत्पन्न किया जा सके, यानी कि राज्यों के बीच में कंपटीशन को बढ़ाया जा सके। इसीलिए इनोवेशन इंडेक्स राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अब इस इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इस रैंकिंग में कर्नाटक सबसे पहले पोजीशन पे है, महाराष्ट्र उसके बाद आता है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद केरल आता है। यानी कि ये है इस इंडेक्स के टॉप 5 स्टेट्स, क्लियर है। और जो बॉटम के स्टेट्स हैं झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद बिहार का नंबर आता है। लेकिन इसमें अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे इस इंडेक्स को केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, तो सबसे पहले 17 प्रमुख राज्य एक कैटेगरी में आ गए, इसके बाद 10 पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया और जो पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य हैं उनको शामिल किया गया, 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। यानी कि जो भारत के जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको इतने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से पहला कैटेगरी है 7 प्रमुख राज्य, उसके बाद 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, इसके अलावा 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। इस आधार पे इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है, ठीक है। अब हम यहां पर रैंकिंग एक बार फिर से देख लेते हैं इस चार्ट के हिसाब से। इसके अलावा ये तो मैं बात कर रहा हूं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, आप ये भी याद रखिएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग 2015 में कितना था, 2016 में कितना था, 2017 में कितना था, 2018 में, 2019 में और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 में 48 रैंकिंग था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे राज्यों का, यह है मेजर स्टेट्स की रैंकिंग जिसमें टॉप 5 के स्टेट्स इस प्रकार से है, मैं आपको बता चुका हूं। यह है आपका पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति जिसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया था, तो इसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, उत्तराखंड दूसरे नंबर पे, मणिपुर तीसरे नंबर पे, सिक्किम चौथे नंबर पे और मिजोरम आपका है
पांचवें नंबर पे। इसके अलावा यूटीज और सिटी स्टेट्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी था, तो इसमें दिल्ली पहले नंबर पे, चंडीगढ़ दूसरे, दमन एंड दीव तीसरे, पुडुचेरी चौथे और गोवा पांचवें स्थान पे। अगर हम पूरा इंडियन स्टेट और पूरी यूनियन टेरिटरीज को मिला दें तो पहले स्थान पे जो है आपका कर्नाटक है, जिसका स्कोर है 42.50। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 8 ट्रेनों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ा गया है। सबसे पहले याद रखिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया गया है, वो है आपका कहां, नर्मदा जिला। ये नर्मदा जिला कहां है, गुजरात में स्थित है, और यहीं पर केवड़िया नामक स्थान पर जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ध्यान रखिएगा। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रेलवे कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है ताकि वहां पर टूरिज्म को बढ़ाया जा सके और जो भी सैलानी आते हैं वहां पर उनकी संख्या को वृद्धि किया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जा सके। इसीलिए केवड़िया स्टेशन के लिए विभिन्न स्थानों से 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिया गया है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, कब, 17 जनवरी को। और इस परियोजना के लिए 811 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, यानी कि इतना खर्च हुआ है, जिसमें 7 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 4 स्टेशन जो है छोटे हैं यानी कि हॉल्ट है, और इसके अलावा 3 प्रमुख बड़े यानी कि बड़े स्टेशन बनाए गए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध रेल संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वहां पर ज्यादा से ज्यादा सैलानी यानी कि टूरिस्ट जा सके, इसी उद्देश्य से इसका जो निर्माण है वो किया गया है। और इस जंक्शन से यानी कि केवड़िया जंक्शन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अब केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में समझ लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने आप में यह रेलवे स्टेशन यूनिक है। किस वजह से यूनिक है, क्योंकि यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से पंजीकृत है, इसका मतलब यह है कि इस बिल्डिंग में आप यहां पर अगर आप देखोगे तो जो इसका सामने का फ्रंट है ये पूरी तरह से जालीदार है, यानी कि दिन की जब रोशनी आए तो दिन में अंदर लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। ऊपर पूरा इसके सोलर पैनल लगाया जाएगा, यहां पर पूरा ग्रीनरी होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा वो यहीं से सोलर प्लांट का जो उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, और भी बहुत सारे ग्रीनरी से रिलेटेड इसमें खूबी रखी गई है ताकि यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी प्रॉपर ख्याल रखा जा सके। इसीलिए यह देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ में जो है वो पंजीकृत है, और इस स्टेशन की आधारशिला 2018 में रखा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ये इसलिए न्यूज में है एजेंसी क्योंकि हाल ही में इसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, और प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो फिजी की एम्बेसडर है जिनका नाम है नाजत समीम खान, इन्हीं को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नाजत समीम खान वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी, यानी कि हर वर्ष 1 साल के लिए जो है इस मानवाधिकार आयोग परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसी ना किसी को, और राउंड होते रहता है, कभी इस कंट्री को तो कभी इस कंट्री को जो है वो अध्यक्षता मिलते रहता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद इस एजेंसी के बारे में भी जान लीजिए, कौन सी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, याद रखिएगा 2006 में। एजेंसी क्या करती है, तो मानवाधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि आपके और हमारे जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। इसका मुख्यालय इस एजेंसी का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसमें टोटल 47 सदस्य हैं और भारत 2021 तक परिषद का सदस्य है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में भी याद रखिएगा, यह एक यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, उससे संबंध रखता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। टोटल 47 मेंबर्स हैं इसके, और जो भी इसके मेंबर्स हैं वहां ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना, उसे प्रोटेक्ट करना इसका काम है, और 2021 तक इस परिषद का सदस्य भारत भी है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, G7 समिट 2021। इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो जी समिट है 47th एडिशन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 47वां संस्करण है, पूछा जा सकता है। 46वां संस्करण COVID-19 कह लो या फिर किसी और कारणवश कह लो, क्योंकि उसमें यूएस का भी दखल था, इस वजह से ये कैंसिल हो गया था।
45वां G7 का जो सबमिट था वो फ्रांस में आयोजित किया गया था और उस समय भी फ्रांस के आमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। अब यहां पर G7 सबमिट 2021 के बारे में समझ लेते हैं। तो ये आयोजित किया जाना है यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड किंगडम के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 को D10 कहा जा रहा है। D10 इसलिए क्योंकि D10 10 लोकतांत्रिक देशों को दर्शाता है और इस G7 शिखर सम्मेलन में इस बार 10 बड़े लोकतांत्रिक देश जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। G7 समूह जो है इस वर्ष अपना विस्तार करने जा रहा है और दुनिया भर में 10 लोकतांत्रिक देशों को शामिल किया जाएगा। हालांकि 7 समूह के अलावा US ये चाहता था कि 4 और देश इसमें शामिल हो, लेकिन ब्रिटेन ने इसमें सिर्फ 3 और देशों को शामिल किया है। और ये 3 देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, दक्षिण कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है। G7+3 तो ये हो गया D10 यानी कि डेमोक्रेटिक 10 यानी कि लोकतांत्रिक देशों की संख्या 7। G7 मेंबर के बारे में और जानना यहां पर चाहोगे तो 7 मेंबर हैं टोटल। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से मेंबर हैं और कब स्टैब्लिश किया गया। 1975 में से स्टैब्लिश किया गया था। टोटल ग्लोबल GDP का 40% GDP इसी के पास है। 110 वर्ल्ड का पॉपुलेशन इसके पास है और 2014 में पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था लेकिन 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है G7, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया 1975 में। औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स थे यानी कि जो पावरफुल थे, जो डेवलप थे, उन्होंने एक आपस में कंट्रीब्यूशन के लिए एक ग्रुप को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम दिया गया G7। उसके बाद हालांकि इन्हें जब महसूस हुआ कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश हैं उनको भी साथ लाना चाहिए ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके और भी चीजों को जो है ग्लोबल इश्यूज है उस पर प्रॉपर तरीके से बात किया जा सके, तो इसी G7 के द्वारा बाद में 1999 में G20 को एस्टैब्लिश किया जाता है। हालांकि G7 और G20 दोनों अलग है लेकिन इसी ग्रुप की मदद से G20 को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अलावा कनाडा इस ग्रुप में शामिल है। 1997 में इसमें रशिया को भी शामिल किया गया और 2014 तक रशिया भी इसमें शामिल था लेकिन क्रीमिया के मामले में 2014 के बाद रशिया को बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से ये G7 बन जाता है यानी कि यह G8 के रूप में भी कार्य करता था। ठीक, तो ये सब बातों को याद रखिएगा। ये इसके कंट्रीज हैं G7 जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। जब इसमें रशिया था तो G8 हुआ करता था, उसके बाद जब G20 बना तो ये एक्स्ट्रा कंट्री G20 हो गया। ठीक है, तो G7 के बारे में याद रखिएगा। इसका 47वां सबमिट कहां होना है, भारत के प्रधानमंत्री आमंत्रित किए गए हैं तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 46वां सबमिट जो है कैंसिल हो चुका था और 45वां सबमिट जो फ्रांस में हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी सी बात याद रखिएगा। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का अमृत महोत्सव। क्या है ये अमृत महोत्सव? तो 2022 में 75वीं सालगिरह मनाया जाएगा आजादी का। तो उस आजादी को मनाने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि आने वाला पूरा 1 से 1.5 साल जो है वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग क्षेत्र में इस क्षेत्र में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे और इन सभी को नाम दिया गया है अमृत महोत्सव। यानी कि एक प्रकार का आप कह सकते हो कि 75वें वर्ष के लिए स्वतंत्रता के यह एक प्रकार का काउंटडाउन होगा और भारत सरकार जो है 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न शुरू करने का फैसला किया है इस भारत के अमृत महोत्सव के तहत, यानी कि इसका नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य है India@2047 के लिए विजन बनाना। ठीक है, और सभी मंत्रालयों को अपने महीने से India@75 समारोह शुरू करने के लिए कहा गया है, यानी कि अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज किए जाएंगे इस महोत्सव के तहत में। तो याद रखिएगा भारत का अमृत महोत्सव किससे संबंधित है, तो 2022 में जो 75वां सालगिरह मनाया जाएगा आजादी का उसी से संबंधित है। तो इसके बारे में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बनना चाहिए। ठीक, चलिए अगला है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, आपका गोवा में किया जाता है।
हालांकि हर वर्ष जो है नवंबर के महीने में ही हो जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ और इस वर्ष 16 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। और कब से कब तक चलेगा, तो 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये चलेगा। हाँ, इसके बाद अगले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि इस महोत्सव में बांग्लादेश को फोकस कंट्री रखा गया है इस बार। और पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्षेत्रीय फिल्मों का दबदबा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे रीजनल मूवीज हैं जिनको इस महोत्सव में अवार्ड मिलने वाला है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का मूवी भी था, मैंने आपको बताया भी था। तो इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश फोकस एंट्री होगा, फोकस कंट्री होगा। कंट्री इन फोकस का मतलब है कि एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। यानी कि इस बार अगर फोकस कंट्री बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश का एक प्रतिनिधि होगा और उसके द्वारा भारत के जितने भी अवार्ड्स मिलेंगे या सबको जो है उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो एक प्रकार से गेस्ट होते हैं फोकस इन कंट्री के मामले में। ठीक है, चलिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। तो इस फेस्टिवल का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री फिल्म महोत्सव निदेशालय तथा गोवा सरकार द्वारा मिलकर किया जाता है संयुक्त रूप से। और इसकी स्थापना 1952 में किया गया था, तब से प्रत्येक वर्ष जो है इसका आयोजन गोवा में किया जाता है। क्लियर है, चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है विश्व का कोविड-19 टीकाकरण, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कहां शुरू किया गया है, हमारे देश में शुरू किया गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फेज कब से शुरू किया गया, यानी कि 16 जनवरी 2021 से किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा डेट यह 16 जनवरी। और इस अभियान के तहत पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को जो है टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में जो फ्रंट वॉरियर्स हैं यानी कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ, उनको लगाया जाएगा और बाकी फेसेस में जो है आने वाले समय में तय किया जाएगा। और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस अभियान के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचाया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन को जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है और ये कोवैक्सीन बनाया गया है भारत बायोटेक की तरफ से, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। तो दोनों वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया गया है, इमरजेंसी यूज के लिए इसको अप्रूवल दिया गया है और फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे शुरुआत 16 जनवरी से की गई, याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है तेजस लड़ाकू विमान की खरीदी। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कितने तेजस लड़ाकू विमानों को खरीदने का, तो 83 तेजस लड़ाकू विमानों को खरीदने हेतु अप्रूवल दे दिया गया है, जिसमें से जो 10 लड़ाकू विमान होंगे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC तेजस MK1 ट्रेनर विमान, 73 जो होगा वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A लड़ाकू विमान होगा, जिसकी खरीदी के लिए मंजूरी दे दी गई है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है और बनाया गया है और अभी इसी के द्वारा बनाया जाएगा, जिसकी कुल लागत है जो बनने वाला है वो 45,696 करोड़ रुपए की लागत से इतने एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, ये इसका बजट है। और इसमें MSME सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए इसमें जोड़ा गया है, यानी कि HAL को कहा गया कि आप इसमें लगभग पूरे देश से 500 MSME कंपनियों को जोड़े और उन्हें भी कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए या फिर इसके पार्ट्स बनाने के लिए आप उन्हें भी कार्य दे, तो ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, HAL से यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। HAL का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला टॉपिक है भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल। तो भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्वदेशी मशीन पिस्टल को बनाया है। कुछ इस प्रकार से यह पिस्टल दिखता है और पहला स्वदेशी पिस्टल है। इससे पहले हम इजराइल, रशिया यहां से जो है इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब हम जब खुद बना लिए तो हम अब एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो यह पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है, ASMI इसका नाम है, याद रखिएगा। इस पिस्टल को हाल ही में भारतीय सेना के इनोवेशन प्रदर्शन कार्यक्रम के में प्रदर्शित किया गया था और इस मशीन पिस्टल है लगभग 100, इसकी जो फायरिंग रेंज है वो लगभग 100 मीटर है और यह इसराइल की उजी सीरीज की बंदूकों की श्रेणी में है। इस उजी सीरीज को नाम रखिएगा।
ठीक है। तो पहला स्वदेशी पिस्टल के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में भी याद रखना। डीआरडीओ को एस्टैब्लिश कब किया गया, 1958। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है वर्तमान समय में सतीश रेड्डी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है स्टैटिक पार्ट से। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सबमिट। हाल ही में हमारे देश के युवाओं को स्टार्टअप के प्रति आगे बढ़ाने के लिए या फिर उन्हें जागरूक करने के लिए एक इंटरनेशनल सबमिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सबमिट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवाओं को आगे आने और प्रारंभ नामक एक स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया है ताकि वो स्टार्टअप के महत्व को समझ सके और देश को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में वो देश को आगे ले जा सके और नए नए स्टार्टअप के माध्यम से देश के विकास में योगदान दे। इसीलिए जो है युवाओं को आगे बढ़ने का आग्रह किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उद्देश्य क्या है, तो विशेषज्ञों और युवा स्टार्टअप लीडर्स को शिक्षा, निवेश, उद्योग, बैंकिंग, वित्त और जैसे मुद्दों के लिए एक मंच पर लाना है। यानी कि एक मंच पर वो आएंगे तो नए नए स्टार्टअप्स के आइडियाज सामने आएंगे और नए नए इनोवेटिव आइडियाज की मदद से देश में इंडस्ट्रीज या फिर अलग अलग जितने भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो सारे को इसकी मदद से चलाया जा सकता है। इसका आयोजन 15-16 जनवरी 2021 को किया गया और प्रारंभ की मेजबानी जो है ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया है जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हेनले इंडेक्स पासपोर्ट 2021 को रिलीज किया गया है किसके द्वारा, तो इसे रिलीज किया गया है अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस सूचकांक को लॉन्च करने के लिए लगभग 227 विभिन्न यात्रा स्थलों पर विचार किया गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जापानी नागरिक 191 देशों की यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं इस पासपोर्ट की मदद से। यानी कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर पासपोर्ट अगर आप कहोगे तो वो जापान का ही है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, 2019, 2018, 2017 ये सारे अगर आप इंडेक्स उठा लो तो जापान पहले नंबर पे रहता है। यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट, सबसे ताकतवर पासपोर्ट जो दुनिया में माना जाता है इस इंडेक्स के अनुसार वो जापान का माना जाता है। इसके बाद सिंगापुर का नंबर आता है दूसरे स्थान पे और 189 स्कोर के साथ दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पे और इतने ही नंबर के साथ जर्मनी भी तीसरे स्थान पे है। क्लियर है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा इसी इंडेक्स के अनुसार यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो भारत की रैंकिंग है वो 85th है। ये नंबर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 85th के अनुसार। और भारत का जो स्कोर है 100 में से 58 है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है इलोन मस्क के बारे में जो कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इलोन मस्क से फिर से एक बार आगे निकल गए हैं जेफ बेजोस। लेकिन जब इलोन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बने और पहली बार ये सबसे रईस आदमी बने हैं दुनिया के, तो इसलिए इलोन मस्क के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इलोन मस्क अभी वर्तमान समय में अमेरिकी नागरिक हैं। इससे पहले ये कनाडा में भी रह चुके हैं। इनका जन्म जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था क्योंकि इनकी माँ जो है साउथ अफ्रीका की थी और इनके फादर जो है वो कनाडा के थे। तो स्पेस एक्स और टेस्ला, स्पेस एक्स आपको पता है कि पहला एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है और सक्सेसफुल भी है। तो और ये स्पेस एक्स जो है यूएस में स्थित था और टेस्ला प्रमुख, ये भी एक यूएस की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। इसके अलावा छत पर जो सोलर पैनल लगता है उसका भी निर्माण करती है और बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को भी ये कंपनी बनाती है जिसका नाम है टेस्ला। अमेरिका की ये कंपनी है, इसी के सीईओ है एलन मस्क। और इनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 209 अरब डॉलर का है। ये आगे पीछे होते रहता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इतने के आसपास इनका नेटवर्थ है। और जेफ बेजोस जो है 2017 से लगातार विश्व के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं लेकिन ये पीछे हुए और फिर से एक बार ये अभी वर्तमान समय में नंबर वन पोजिशन पर ही है। ठीक है। और एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2020 में ही इलोन मस्क का जो नेटवर्थ है वो 150 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ बढ़ा है। यानी कि एक साल में इन्होंने 150 अरब डॉलर कमाया है और जबकि टोटल इनका नेटवर्थ 209 अरब डॉलर का है।
बिलियन डॉलर का है। तो ध्यान रखिएगा कि एक साल में ही इन्होंने इतना रुपया कमा लिया। ठीक, तो एलोन मस्क के बारे में आप इतने पॉइंट्स को यहां पर आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर सेक्शन का उद्घाटन, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो आपको पता है कि हमारे भारत में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिस पर सिर्फ मालगाड़ियों को चलाया जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब है सिर्फ मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। एक ईस्ट से वेस्ट निर्माण किया जा रहा है और एक वेस्ट से ईस्ट निर्माण किया जा रहा है, और दोनों को अगर मिला दे तो दोनों की लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। आपको पता है भारतीय रेलवे द्वारा जो भी इनकम जनरेट किया जाता है उसमें 60% योगदान जो है वो मालगाड़ियों का होता है, और जो पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं उसमें कंट्रीब्यूट होता है उसका लगभग 27% का। तो मालगाड़ियां से ज्यादा कमाई होती है लेकिन फिर भी वो बहुत स्लो होता है, और मालगाड़ियों के प्रति रुझान भी लोगों को कम होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मालगाड़ियां बहुत लेट से सामान पहुंचाती है। लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए, इंडियन रेलवे को प्रॉफिट देने के लिए और ज्यादा एक सामान को दूसरे जगह, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉर को डेवलप किया जा रहा है। उसी के तहत एक सेक्शन को उद्घाटित किया गया है हाल ही में, जो कि रेवाड़ी से मदार तक जाएगा। इस सेक्शन का उद्घाटन किया गया है और यह लगभग 79 किलोमीटर लंबाई है, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है, और यह लगभग 227 किलोमीटर खंड राजस्थान के अजमेर में है, जयपुर और सीकर और अलवर और नागेर जिलों में है। यानी कि 227 और 79, यानी कि यह जो टोटल इसका किलोमीटर है इस सेक्शन का वो 306 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसका एक हिस्सा है रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर सेक्शन कहा जाता है। इसके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी यहाँ पर है, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख लेना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।